हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करेंगे एस ब्लॉक में नेक्स्ट जो गुणधर्म है उनके बारे में। तो अपन डिस्कस करेंगे क्षारीय धातुओं के सामान्य गुणधर्म। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं परमाण्विक तथा आयनिक त्रिज्या की। तो देखिएगा, यहाँ पर परमाण्विक और आयनिक त्रिज्याएं जो होंगी वो किस प्रकार होंगी उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर परमाण्विक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या किसे कहा जाता है? तो अपन कहेंगे बेटा कि कोई भी क्षारीय धातुएं जो है आवर्त सारणी में अपने आवर्त में अधिकतम क्या रखती हैं? आकार रखती हैं। अधिकतम आकार की वजह से ही ये क्या होती हैं? लार्ज या आकार में बड़ी होती हैं। तो देखिएगा, परमाण्विक त्रिज्या किसे कहा जाता है कि कोई भी परमाणु है, मान लेते हैं आपके लिथियम परमाणु है, लिथियम परमाणु का आकार उसकी परमाण्विक त्रिज्या कहलाती है। आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या जैसे लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए और वो Li प्लस में कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए? Li प्लस में। तो अपन कह सकते हैं कि परमाणु और आयनिक त्रिज्या में क्षार धातुएं आवर्त सारणी में, पूरी आवर्त सारणी में अपने आवर्त में अधिकतम आकार रखती हैं। ठीक है, परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार में भी वृद्धि होती है। क्या होता चला जाता है? परमाणु आकार भी बढ़ता चला जाता है। ओके, एकल संयोजी धनायन जैसे M प्लस बनाता है तो अपने पैतृक परमाणु की तुलना में छोटा होता है। तो देखिएगा, जैसे पैतृक परमाणु लिथियम का ये है Li, Li क्या है? Li प्लस का पैतृक परमाणु है। तो अपन कह सकते हैं यहां पर कि एकल संयोजी जो भी धनायन होगा उसका आकार परमाणु की तुलना में, उसके पैतृक परमाणु जहां से ये बना है की तुलना में कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर परमाणु और आयनिक त्रिज्या के बारे में ये बताया गया है कि जो तत्व है वो किस तरीके से परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या रखते हैं। तो देखिएगा, यहां पर एटॉमिक रेडियाई परमाणु त्रिज्या पिकोमीटर में दी हुई है। जैसे लिथियम के लिए 152 पिकोमीटर, सोडियम के लिए 186 पिकोमीटर, पोटेशियम के लिए 227 पिकोमीटर, रुबिडियम के लिए 248 पिकोमीटर और सीजियम के लिए 265 पिकोमीटर होता है। ओके, आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं तो देखिएगा, आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से कम होती है। अर्थात अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है कि पैतृक परमाणु की तुलना में आयनिक मतलब धनायन, एकल धनायन जो होता है वो कम आकार का होता है। तो देखिएगा, यहां पर पिकोमीटर में 76 पिकोमीटर, 102 पिकोमीटर, 138 पिकोमीटर, 152 पिकोमीटर और यहां पर 167 पिकोमीटर। फ्रेंसियम में आयनिक आकार आ जाता है जहां आप बता सकते हैं इसका आकार 180 पिकोमीटर आयनिक रेडियाई के फॉर्म में रहता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर टॉप टू बॉटम चलते हैं तो लिथियम के लिए परमाणु त्रिज्या, सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, रुबिडियम के लिए और सीजियम के लिए यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो देखिएगा, लिथियम के लिए आकार यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है, ये देखिएगा। ओके, यहां पर देखिएगा ये, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं सोडियम के लिए, ये सोडियम के लिए हो जाएगा। फिर पोटेशियम के लिए, ये पोटेशियम के लिए है। फिर रुबिडियम के लिए आकार में वृद्धि हुई है और फिर और वृद्धि हो गई है सीजियम के लिए। तो इस वर्ग में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आकार में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि परमाणु आकार क्या हो रहा है? यहां पर बढ़ रहा है, परमाणु आकार बढ़ रहा है। ओके, देखिएगा, परमाणु आकार में वृद्धि के कारण यहां एटॉमिक नंबर में वृद्धि के कारण यहां पर क्या हो जाता है? परमाणु आकार बढ़ जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या भी बढ़ती है। देखिएगा, आप टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, यहां पर देखो लिथियम से सीजियम तक टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है? परमाणु संख्या बढ़ती है, जैसे 55 तक पहुंच गई 3 से। तो इसके साथ साथ ही क्या होगा? परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में दोनों में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं अपन। आयनन एंथैल्पी कह सकते हैं अपन कि क्षारीय धातुओं की आयनन एंथैल्पी सामान्य क्या होती है? कम होती है। आयनन एंथैल्पी क्या रहती है? कम। क्यों? क्योंकि इनका आकार ज्यादा होता है।
और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती जाती है, ठीक है, क्योंकि आकार बढ़ रहा है। ये देखिएगा यहां पर एलिमेंट दिए हुए हैं, यहां पर आपके एलिमेंट दिए हुए हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंसियम। ओके, इन सभी में जब भी अपन बात करते हैं आईई की, जो किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, तो 520 किलो जूल पर मोल लिथियम का आईई हो जाता है या एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सोडियम का 496, पोटेशियम का 419, रुबिडियम का 403 और यहां पर देखिएगा 403 अचानक थोड़ा कम हो रहा है, फिर और कम हो जाएगा, फिर लगभग फ्रेंसियम का और सीजियम का दोनों का क्या होता है, लगभग बराबर होता है। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि क्षारीय धातुओं की आयनन एंथैल्पी सामान्यतः कम रहती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर लिथियम से सीजियम तक आयनन एंथैल्पी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये क्रम हो गया लिथियम से फ्रेंसियम तक का आयनन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो ये मिलेगा आपके। जलयोजन एंथैल्पी नेक्स्ट आता है, जलयोजन एंथैल्पी। जलयोजन एंथैल्पी में देखते हैं अपन कि जलयोजन एंथैल्पी धनायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात अपन कह सकते हैं एच ई व्युत्क्रमानुपाती होगा कैटायन साइज के। ओके, कि जैसे जैसे कैटायन की साइज बढ़ती चली जाएगी एच ई की वैल्यू कम होती चली जाती है। ओके, ये देखिएगा यहां पर एच ई हमेशा माइनस में रहती है, ऋणायन होती है, तो अपन कहेंगे कि एल्काइल मेटल में आयन में देखिएगा एल आई प्लस में, सोडियम प्लस में, पोटेशियम प्लस में, रुबिडियम प्लस में और सीजियम प्लस में माइनस 500, फिर 506, फिर 400, 406, फिर 330, ये माइनस में होगी 310 और 296, तो लगातार क्या होती जा रही है, आकार बढ़ने के साथ साथ कम होती जा रही है। ओके, तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपके यहां पर लिथियम से सीजियम तक का। ओके, तो आई एच ई जो है जलयोजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको कहा जाता है, जलयोजन एंथैल्पी ये कम होती चली जाती है। देखिएगा जलयोजन एंथैल्पी होती क्या है, जब एक मोल, आंसर होगा इसका, जब एक मोल आयनिक यौगिक को जल के साथ घुला जाता है, कोई भी आयनिक यौगिक जैसे एल आई प्लस ले लिया, सीजियम प्लस ले लिया, रुबिडियम प्लस ले लिया, पोटेशियम प्लस ले लिया, सोडियम प्लस ले लिया, ये सभी क्या है, धनायन है, कैटायन है कि नहीं है, ठीक है, तो इनके आयनों को घोला जाता है तो निष्कासित ऊष्मा की जो मात्रा होगी उसी को क्या कहा जाता है बेटा, जलयोजन एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहां पर जलयोजन एंथैल्पी जो है वो लिथियम की अधिक होती है, यहां पर लिथियम की जलयोजन एंथैल्पी अधिक मानी जाती है, यही कारण है कि लिथियम का लवण अत्यधिक जलयोजित होता है, हाइड्रेटेड होता है। ओके, देखिएगा एग्जाम्पल LiCl.2H2O क्या हो गया, LiCl.2H2 यहां पर ये हाइड्रेट फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है इसका लवण। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में अधिकतम त्रिज्या है लिथियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की, सीजियम की, WOF का मतलब हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में अधिकतम त्रिज्या होगी तो अधिकतम त्रिज्या हो जाती है सीजियम की। ओके, कौन सी धातु अधिकतम जलयोजन ऊर्जा रखती है, इनमें से देखिएगा कौन सी धातु अधिकतम जलयोजन ऊर्जा रखेगी, तो धातु की बात करते हैं तो अभी अपन ने कहा कि आयनित अवस्था में जलयोजन ऊर्जा का मान निर्धारित किया जाता है, तो एल आई प्लस, एन ए प्लस, के प्लस, सी एस प्लस, तो यहां पर लिथियम की जलयोजन ऊर्जा सर्वाधिक हो जाती है। ओके, तो यहां पर आप लोगों ने पढ़ा परमाणु और आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी और जलयोजन एंथैल्पी। ओके,